नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा गांव लालगढ़ जाटान, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहां पर है गोपाल स्वीट्स, ये मेरे मित्र क्लासमेट रहे, उन्हीं की दुकान है। और आज मैं यहां से बहुत सारी मिठाइयां लेकर, देखिए मैंने गाड़ी में मिठाइयां डाल ली है और लेके जा रहा हूं कहां, ये अपने वीडियो में बने रहे और देखिएगा। नमस्कार, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, दिवाली के पावन पर्व पर। आपके सर आज कहाँ जा रहे हैं बताइए, सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आज जा रहा हूँ वो अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी मम्मी हैं और मैं हूँ और मेरी सिस्टर्स और मेरी वाइफ, हम सब जा रहे हैं दीपावली के इस पावन पर्व पर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। अगर हो सकता है तो आप भी उन लोगों के साथ खुशियां मनाइएगा जो इन खुशियों के लिए एक साल का इंतजार करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा। मैं अपने गांव लालगढ़ से निकल चुका हूं और अब आगे निकल रहे हैं, देखते रहिएगा आप कहां जा रहे हैं। आप बताएंगे कि आपके और मेरे ससुराल का ये कौन सा एरिया है? ये छावनी है लालगढ़ की। और यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ देश के फौजी रहते हैं, रक्षा करते हैं। ओके मम्मी जी, ये इसके बारे में कुछ हो? ये पाकिस्तान से जीती हुई तोपे हैं। अच्छा सर आप बताइए, पाकिस्तान से जीती हुई तोपे थी जो पीछे आपने दिखाई क्या? हाँ जी सर बिल्कुल। और आगे चल रहे और आगे आगे तक दिखाएं। आपको कैसा लग रहा है इस दिवाली पर? आज आप कहाँ जा रहे हैं आप बताएंगे? आप हम गंगानगर जा रहे हैं। हम किस लिए जा रहे हैं ये पता है आपको? हम जा रहे हैं कुछ बच्चों को मिठाई देने के लिए, कोई शॉपिंग करने के लिए, ऐसे जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हो क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है माता जी। ये नवदीप गेट है, अब यहाँ से हम गुजर रहे हैं नवदीप गेट से और यहाँ से हम जा रहे हैं। ये आर्मी एरिया है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। यहाँ से हम गुजर चुके हैं। ओके, ये धूप में खड़े हैं बच्चे, कहाँ जा रहे हैं? हमारे देश के जो फौजी भाई है उनके लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। मोबाइल अंदर। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है टांटिया यूनिवर्सिटी राजस्थान में विख्यात, और ये है रिको, और इधर ये आ गया है औद्योगिक क्षेत्र। अभी हम पुलिया से गुजर रहे हैं, हमने फौजी भाइयों को मिठाई बांट दी है और फौजी भाइयों को मिठाई बांटने के बाद हम यहां से गुजर रहे हैं। यहीं में पास में इधर की तरफ आप देखोगे तो जो गंग नहर है वो गुजरती है, उसके पास में ये मकान बने हुए हैं विलाज। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि बहुत ही शानदार ये विलास बने हुए हैं। और यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, पुल से नीचे उतरेंगे, फिर हम गंगानगर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है आज। बने रहें, सभी को रंग और सबके माता पिता को प्रणाम। ये जरूर ध्यान रखें कि इस दिवाली को पटाखे ज्यादा ना चलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, मिठाइयां बांटें, खुशियां मनाएं, घर घर जाएं। राम राम, धन्यवाद। आको मैं महाकाल। दोस्तों ये है गंग नहर जो महाराजा गंगा सिंह 1927 में लेकर आए थे और ये श्री गंगानगर के लिए जीवन रेखा कही जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है महाराजा गंगा सिंह की नगरी श्री गंगानगर में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करता है नगर विकास न्यास। हम पहुंच चुके हैं श्री गंगानगर और अभी आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है गंगानगर में विवेक आश्रम करणपुर रोड मोहनपुरा में। यहाँ पर हम महाराज जी के सानिध्य में जो अनाथ बच्चे हैं उन सब के लिए दीपावली के अवसर पर ये सारी ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आए हैं आप सभी के सहयोग से, ताकि ये बच्चे जो है अपनी दीपावली को खुशी से मना सके। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है और विक्रांत जी सर है, मेरा अजीज मित्र है और हम सब यहाँ पहुँचे हैं ताकि ये जो नन्हे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है वो इस पर्व को, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, इसको खुशी के साथ। ये है विवेक आश्रम मानव कल्याण समिति, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और सभी दोस्तों के सहयोग से, अपने परिवार की तरफ से और मेरे मित्रों के सहयोग से यहाँ पर आप लोगों की ओर से इन सबको बच्चों को मिठाई खिलाई है। नन्हे बच्चे खुशी के कारण देखो कैसे दौड़ कर जा रहे हैं, ये खुशी ये उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भाग कर चले गए, बाकी कुछ अंदर बैठे हैं वो आए नहीं थे बाहर क्योंकि वो भी गए हैं। ये बहुत ही खुश हैं, अब देखो सारे के सारे खेल रहे हैं। दिया हुआ है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ताकि बच्चों को कोई भी तरीके की दिक्कत हो तो वो इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर पाए। विराट कोहली छक्को मार दियो।
हम खेल रहे हैं दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय गौशाला है और यहाँ पर बहुत सारे शास्त्री जो युवा रहते हैं संस्कृत का ज्ञान ले रहे हैं उनके पास, और यहाँ पर हम क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने विक्रांत जी को ये बोल्ड कर दिया, अब मैंने बहुत दिनों बाद फॉर्म हासिल कर ली है। अभी देखिएगा आप, अभी आप मुरली बताइए, मुरली धरक ये और वो भी कोहली बन गया मुरली। हम सब तैयार लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय गौशाला श्री गंगानगर राजस्थान में है, मेरे साथ में है शास्त्री जी। शास्त्री जी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं आपको। जी जी आप जी, आपके पास जो ये विद्यार्थी आ रहे हैं जो सारे संस्कृत का अध्ययन करते हैं, आपने मुझे बताया जैसा कि ये ब्राह्मण वर्ग से हैं सारे के सारे और राजस्थान के अलावा भारत के भी प्रत्येक कोने से हैं, तो आपके अनुसार ये कहाँ कहाँ के हो सकते हैं? ये उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ लोग नेपाल से हैं। नेपाल से भी आ रखे हैं? हाँ जी, नेपाल से भी यहाँ पर हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है आज की ये दिवाली, इन सबके चेहरों पर खुशियाँ आ जाएगी, मिठाई खाकर आ जाएगी ना खुशियाँ। ठीक है, तो फिर आओ भैया, छोटे मन्ने बच्चे से शुरू करते हैं अपने। ये हमारे सबसे चंचल शास्त्री जी, आपका नाम क्या है? सुशांत जी, बहुत बढ़िया, चलते रहिए और आते रहिए, मम्मी पकड़ा दरवाजा। ठीक है भैया, लेते शाबाश, बहुत बढ़िया। आज क्रंत भाई फिर भी आ जाओ, आज तो पकड़ा रखो, आ जाओ फिर पकड़ा रखो। आज की दिवाली इन बच्चों के लिए लेकर इधर उधर जाओ सारे के सारे, शाबाश, बहुत बढ़िया। काम करो, बच्चों को खिलाओ मिठाइयाँ। तो शास्त्री जी, आप यहाँ पर इनको संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ कौन से महाराज हैं जिनके सानिध्य में रहकर ये संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं? पूज्यपाद कल्याण स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में तत्वाधान में सारे कार्य होते हैं और संस्कृत का ऐसे ही पठन पाठन चलता रहता है। यहाँ शुक्ल यजुर्वेद भी पढ़ाया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद भी पढ़ाया जाता है और व्याकरण साहित्य ज्योतिष इत्यादि सभी ग्रंथों का अध्ययन होता है। साथ में ये गौ की जो आप पूजा वगैरह जो इनकी सेवा करते हैं वो यहाँ पर निःशुल्क आपको सिखाई जाती है। तो कौन सा पाठ कर रहे हैं? महाराज जी गायत्री पुरुषारण कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है, अब हम ये तो जानते नहीं है क्योंकि इनके पाठ वगैरह क्या होते हैं, पर अच्छा लगा आप सबको मिठाइयाँ बांट कर दीपावली की जो खुशियाँ हैं हम सब मिलकर बनाए। तो सभी आप खुश हो? जी। पटाखे बजाओगे आज? जी। बोलो भारत माता की जय हो, जोर से बोलो भारत माता की जय हो। ठीक है, राम राम, धन्यवाद सभी को। हाँ बोलो सारे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप क्या बोलना चाहते हो वो बोल दो। और कुछ बोलना है? आइए, अब पहले खैरियाला में था, अब कुछ उसी साइड में अलग जगह बना लिया, उसका ध्यान नहीं है हमें। उसमें ज्यादा होने चाहिए क्योंकि उसके अंदर ये जो थोड़े दिमागी तौर पर जो परेशान है वो वहाँ पे है, और इसलिए उनका ये है कि पुरुषों को फोन करने की वही से आपको हमारे पास जब लेडीज कॉन्स्टेबल चलते रहते हैं।